भैया का गिर गए। उठाए भैया छोड़िए। गाड़ी छोटी ना लगा है भैया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और संडे का सुबह का वादियों का मजा ले रहे हैं ठंडे ठंडे हवा का। एक्चुअली में उतना टाइम नहीं हो रहा है, टाइम तो हम लोग का करीबन 7:02 हो रहा है। तो अभी हम लोग हैं थाना चौक पे और यहाँ पे जाम बहुत लगता है यार, क्या बताया जाए। और यहाँ पे कोई भी बंदे जल्दी हेलमेट नहीं पहनते हैं यार, सेफ राइड करना चाहिए। और गिरने बाद कहेंगे क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया। देखिए सबसे पहले बात यार, पहले हेलमेट आप पहना कीजिए। और सबसे पहले बात तो, और दूसरा बात ये है कि आप पुलिस के बचने के लिए कोई सस्ता हेलमेट मत ले लीजिए, स्टड्स का ही कोई हेलमेट लीजिए, नहीं तो आएगा का जैसे एग्जॉस्ट का महंगा महंगा उतार सकते हैं आप हेलमेट, तो एक्चुअल आपको सेफ्टी बढ़ सकता है। लेकिन बहुत से बंदे 400 का 200 का 250 का हेलमेट पहनते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, बंदे का सर फट जाता है, कहीं ना कहीं से ब्लड आने लगता है। किसी का भैया हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया कीजिए, पुलिस से बचने के लिए स्पेशली मत किया कीजिए। आप पुलिस तो हमारे ना कहती है, आपके लिए थोड़ी ना कहती है। इसी कारण सेफ राइड करना चाहिए, हेलमेट का और राइडिंग गेट्स पहन के करना चाहिए, शूज पहन के, स्लीपर पे नहीं। और यहाँ का रोड भी सही हो गया। यहाँ का ब्रेकर ब्रेकर भी हट गया। इधर का बना देगा तो सही रहेगा, इधर के जगह को चाहिए रिपेयरिंग का काम। बहुत पुराना रोड है, जेल के सामने वाला आदित्य विजय दरोगा राय चौक गोलंबर है ना, वहाँ तक चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद से बस स्टैंड की ओर उसको बनाना ही चाहिए। वहाँ का रोड एकदम बस के चक्कर में ख़राब हो चुका है। तो कहीं हम लोग रुक के बातचीत करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम रुकेंगे नहीं, यहाँ पे जल्दी ही क्राउड हो जाता है और ट्रैफिक भी ज़्यादा ही लगने लगता है। मेरे लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे यहाँ पे ट्रैफिक में फंस चुके थे, लेकिन कैसे कैसे निकल दिए थे। आज देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, छपरा कितना छोटा है और हमारे स्कूटी के अंदर फ्यूल नहीं है, तो आज शाम तक करा लेंगे रिफ्यूलिंग। अभी बाइक हम कुछ दिन से चला रहे नहीं है, ऐसे ही भाई मन नहीं लग रहा है चलाने का। कभी वो चीज़ नहीं होता है जब पुरानी चीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन करा लेंगे तो आपको चलाने का बहुत मन करता है। तो भाई ये मेरा भी स्कूटी नहीं, पापा का स्कूटी, पहले मेरा स्कूटी हुआ करता था, उसके बाद पापा ले लिए हैं। उसमें एजी हम लोग का क्या था। यहाँ का तो रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और दो चार दिन में क्लोज कॉल का भी वीडियो बन ही जाएगा। अभी सुबह के वक्त में कैसे बनाए क्लोज कॉल, उतना ट्रैफिक भी नहीं है तभी ना क्लोज कॉल बनेगा। उसके लिए बाइक चाहिए, स्कूटी तो हो नहीं पाएगा।
यही वेनेसडे को फिर शूटिंग करेंगे क्लोज कॉल का, तो फ्राइडे तक ब्लॉग मिल ही जाएगा आपको। अब से हम रेगुलर ब्लॉग करेंगे, मतलब पहले क्या था, एक वीडियो डाला एक मंथ पहले, उसके बाद एक मंथ बाद, फिर एक ऐसे चलता रहता था। यहाँ का जब तक डबल डेकर का काम नहीं होगा ना, तब तक जब तक पूरा काम फिनिश हो जाएगा वर्क, तब यहाँ का रोड भी सर्विस रोड बन जाएगा, जहाँ पर भी स्कूटी चल रहा है। स्कूटीज को नहीं कहेंगे, वेनम बोलेंगे। जहाँ पर भी वेनम चल रहा है ना, उसको सर्विस रोड बना देगा और इसके ऊपर से डबल डेकर का पुल हो जाएगा। यार ऐसे मुड़ जाता है, आगे का ठीक रास्ता नहीं है, पहले से और ख़राब हो चुका है, ऐसे हो जाते हैं। ये हम लोग का राजेंद्र सरोवर है, अभी चलते हैं एक और भाई के घर, वो भी अपना बाइक या स्कूटी निकालता है, देखते हैं क्या होता है। निकालेगा तो सही है, उसने बोला तो था मैं निकालूंगा, स्कूटी निकालेगा बोल रहा था। यहाँ का भी रोड ज़्यादा खास नहीं है, रिएक्शन देख रहे हैं पब्लिक का, ये अच्छा रिएक्शन आ रहा है। तो एक्चुअल हम लोग कचहरी स्टेशन पे आ गए हैं। वीडियो कट करना पड़ा था यार, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता, इसी कारण कट किए हैं हम वीडियो। वो भाई बस वाले को देखो कितना जोश में आ रहा है बंदा, वो ट्रक से डर लगता है यार। लोग का रिएक्शन देख रहे हैं एक बार, चलते हैं आज फिर चाय कहीं पीते हैं, आज उसी जगह पे जाते हैं और वहाँ का स्पेशल ब्लॉग, उस समय कैमरा बंद कर दिए थे ना अपना हम फोन, तो आज हम उसमें को भी शूट किया जाएगा। तो चलते हैं पहले गांधी चौक कचहरी से स्टेशन से। देखो भैया भी हेलमेट नहीं पहन रखे हैं, सामने वाले भैया भी हेलमेट नहीं पहन रखे हैं, यही तो छपरा में कमी है, राइडिंग गियर्स कोई नहीं पहनता है, और पहनता है लोग तो सस्ता सा पहनता है। गर्मी के मौसम में इतना बजे निकलिए भाई, आपके लिए एकदम सही रहेगा। मैं बोलता हूँ इतना बजे आप निकला कीजिए, 6 बजे के आसपास, और एक कप एक गिलास चाय पी लीजिए, एक कप चाय पी लिया कीजिए, सही रहेगा। चलते हैं पहले चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद जो आपने फर्स्ट वीडियो देखा था ना, वो एक्सीडेंट का वीडियो ना हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वो हम ना उस समय सेटअप कर रहे थे फोन का, उसी बीच में ही एक्सीडेंट हुआ उनका, उनमें भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। मैंने बोला था भैया हेलमेट क्यों नहीं पहन रखे हो, तो मैंने भूल गया,
तो ऐसा कोई बात नहीं, हमने पूरा पूरा फुल फुटेज नहीं रिकॉर्ड किया है, हाफ फुटेज है, उनको गिरने बाद से फुटेज रिकॉर्ड हुआ है। देखो भाई, आज के ज़माने में हेल्प करना बहुत नेसेसरी होता है। आप हेल्प करेंगे मेरा तो हम आपका हेल्प करेंगे, ऐसा हो चुका है। आप मेरा हेल्प नहीं कीजिएगा तो हम किसी का हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा हो गया है। ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा बात नहीं है कि पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा है कि बहुत आदमी के अंदर ह्यूमैनिटी अभी है, इंसानियत अभी छिपा हुआ है, जो हर एक दिन दिखाते रहते हैं हर एक दिन दिखाते हैं। कब यहाँ का रोड भाई सही होगा, कब यहाँ पर हम लोग का स्कूटी दौड़ेगा वेनम, बार बार भाई इसका नाम रियल वाला नहीं निकलता मेरे, वेनम। देखो भाई रॉन्ग साइड से घुस रहा है भाई, भैया आराम से। तब तक यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना यार, और कमेंट कोई अच्छा सा भाई के लिए कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, इसको फॉलो कर लेना भाई मेरे इंस्टाग्राम आईडी को। अच्छा जी का बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रहा था, एक्चुअल में यार कोई हॉर्न नहीं मारा था, मैं भी हॉर्न नहीं मारा था, वो भी हॉर्न नहीं मारे थे भाई, दोनों में गलती था। अब क्या बोल सकते थे, अब हम लोग दोनों में गलती है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस उनमें थोड़ा ज़्यादा था, मेरे में थोड़ा कम था, मैं हॉर्न नहीं मारा। अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते ही रहता है किसी बंदे के साथ, अब इतना लेकर चलेगा कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा तो ऐसा तो बात थोड़ी ना है। तो जाने का वक्त आ गया, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, हम मिलेंगे फिर चलते चलते। ओके बाय।